क्या बात है, तो जनाब अभी तक तैयार भी नहीं हुए। एक नंबर की निकम्मे हो तुम। किसी ने ठीक ही कहा है, एवरीबॉडी वांट्स टू गो हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। अरे भाई, जब मरेंगे ही नहीं तो जन्नत ही नसीब कहां से होंगी। तुम्हारी अंग्रेजी हो गई हो तो जाओ अंदर से खीर के डिब्बे ले आओ, मौजी ने हमेशा की तरह तैयार रखे होंगे। जाओ। दीदी सुनो, हम जैसे ही उसके घर के यहाँ पहुँचेंगे तुम प्लीज ऊपर जाना और उसे कहना चलो हमारे साथ पानी लेने। तुम्हारे कहने पे तो वो जरूर आएगी ना। आएगी, उसे आना पड़ेगा, दोस्त है मेरी, मुझे किसी बात के लिए वो मना कर ही नहीं सकती। वैसे उसे तो मैं ला सकती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कितना सारा सामान लेके मैं पर जाऊँ कैसे। यार अब तो जा सकती हो ना। ये किरण ना बड़ी भारी है। लो ये पकड़ो, एक मिनट। अरे पागल, ऐसे पकड़ते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, सब पता है मुझे, कुछ काम कर भी लिया। हाँ ठीक है, दो। हाँ ले ये। ये भले सा है, भले लोगों का कस्बा, भले लोगों का कस्बा है ये। यहाँ हर मुसलमान इकबाल है और हर हिंदू चौकीदार लाल किशन है। हाँ, पता है मुझे। फिर अब तो हमारे और आपकी दोस्ती की मिसालें दी जाएगी। हमारे बच्चे भी हमारे नक्शो कदम पर चल रहे हैं, और देख लेना वो दिन दूर नहीं जब उनकी भी दोस्ती की मिसालें दी जाएगी। बस खुदा करे ये मोहब्बत बनी रहे और नस्ल दर नस्ल और बढ़ती रहे और पूरे भले सा में भाईचारे की मिसाल बन जाए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई। बल्कि मास्टर जी, मैं तो कहूँगा केवल भले सा में ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में बस यही चलन चले कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई। मास्टर जी जी, मौसम तो बड़ा साफ है आज। हाँ, शुक्र है आज बर्फबारी नहीं हुई। ऐसे ही खुले आसमान में तिरंगा लहराते रहे, साथ ही फख्र से फूल जाते। ईश्वर की कृपा बनी रहे, अमन चैन बना रहे। अच्छा हुआ आप लोग मिल गए यहाँ, नहीं तो मुझे एक एक के घर जाके ढूंढना पड़ता। आप चलो, मास्टर जी ने आपको भी बुलाया है। जनाब, इनको भी आका के पास लेके जाना है। इन्हें मास्टर जी ने भेजा है हमें बुलाने के लिए। रुको, मैं सब ठीक करता हूँ। देखो कासिम, अब हम बच्चे नहीं हैं जो हर काम मास्टर जी के कहने पर करें। मतलब आप 26 जनवरी बनाने नहीं आओगे? इन सब फालतू के कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो आप तैयार होके कहाँ जा रहे हो? अब हर काम हम तुझे और मास्टर जी को बताकर करें क्या? जंगल जा रहे हैं लकड़ियां काटने। बर्फ में? हाँ बर्फ में, तुझसे मतलब। पागल हो गए आप सब लोग, गीली लकड़ियां लेने जा रहे हो? साहब आप कहें तो। देखो कासिम, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब जानते हो कि हम यहाँ क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। अब भी मौका है, बदल दे अपना रास्ता, हमारे साथ आ जा, हमारा बहुत पाक मकसद है। क्या है? मास्टर जी ने कहा था कि राष्ट्रीय गान गाते वक्त किसी को भी देखना नहीं चाहिए, तो फिर आप अफरीना दीदी को क्यों देख रहे थे? लगान शिकायत आपकी मास्टर जी से। तुझे कैसे पता कि मैं अफरीना जी को देख रहा था? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप अफरीना दीदी को देख रहे थे। अच्छा, तो मैं भी लगाऊं शिकायत तेरी? राष्ट्रीय गान के वक्त तू मुझे देख रही थी और तो और हंस भी रही थी। अच्छा छोड़ो, मैं भी नहीं लगाती और आप भी नहीं लगाओ। जवाब नहीं दिया आपने। जवाब? अफरीना जी, आप मुझे बहुत पसंद है और खुदा कसम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतनी सी बात तो आप मुझे पहले बता देते, खुद ही आ जाया करती पानी गिराकर।
मतलब तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो? नहीं नहीं, मैं पागल हूँ ना, इतनी दूर ठंड में पानी लेने आऊंगी, वो भी खुद गिरा कर। सब ठीक है ना? क्या बात है? मैं यही सोच रहा हूँ कि चौकीदार साहब अकेले पड़ गए। एक ही हिंदू का घर है इस गांव में, उनके लिए यहाँ रहना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी दोस्ती के खातिर रह रहे हैं। देखो बुलाव जी, अब्बा तो मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा से चौकीदार साहब और उनके घर वालों का ख्याल रखोगे, उनकी खुशी और गम में उनके साथ रहोगे, वादा करो मुझसे। जी अब्बा, मैं आपसे वादा करता हूँ, पर आप खुद भी तो जानते हो कि हम दोनों परिवारों में कितना प्यार है और कितनी मोहब्बत है। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन फिर भी आज दिल में आया तो सोचा बोल दूँ। अब्बा, मैं आपसे वादा करता हूँ, हम दोनों परिवार हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे, चाहे वो गम हो या खुशी हो। तुम पर फख्र है। सब लोग आ गए? जी जनाब। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हम में अब भी इतनी ताकत है कि हम अपनी कौम की हिफाजत कर सके, इंशाल्लाह। मेरी अपनी